Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 3 of Digital Logic and Design. So, in the previous lectures, we have discussed number system conversion और उनके methods क्या होते हैं और binary arithmetics किस तरह से हम करते हैं कि binary numbers को आपस में add, multiply, divide, subtract किस तरह से किया जाए. So, उसके बाद हमने थोड़ा सा discuss किया था unsigned number के assigned magnitude क्या और two's complement की. सो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हमारे को हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं. लेट्स से उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो आपके पास बाइनरी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना और फिर उसमें वन ऐड करना और फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट होगा. लेट्स से हमारे पास नंबर है, बाइनरी नंबर है 01101 विच इज इक्वलेंट टू इट्स डेसिमल 13. सो इसका हमने टूज कम्प्लीमेंट लेना है तो सबसे पहले आपने वंस कम्प्लीमेंट लेना है. तो वंस कम्प्लीमेंट हम इस तरह से लेते हैं कि हम उसकी सिंपली जो आप बिट्स हैं उनको रिवर्स कर देते हैं. लेट से आपके पास जीरो है तो जीरो को आप वन कर दें और वन है तो आप उसको जीरो कर दें. इस केस में आप देख सकते हैं कि थर्ड बाइनरी में इसका इक्विवेलेंट वन सेकंड कम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 10010. सिंपली हमने बिट्स को रिवर्स कर दिया. अब उसमें वन ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10011 और जो हमारे पास बाइनरी में माइनस 13 आएगा टूज कम्प्लीमेंट. तो इस तरह से हम टूज कंप्यूट करते हैं. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद टूज कम्प्लीमेंट. अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी. लेट्स से हमारे पास नंबर है प्लस 5 तो इसमें हम एक चीज़ आप जहन में रखेंगे जो आपकी मोस्ट लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो डिफाइन करिए नंबर आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब इस केस में आप देख लें एग्जांपल्स आपके सामने कि पहले में दोनों पॉजिटिव नंबर हैं पहले एग्जांपल में और प्लस 5 प्लस 2 विच शुड बी इक्वल टू प्लस 7. सो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 0101 0010. सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 0111 विच इज इक्वलेंट टू प्लस 7 आ जाएगा. अब 5 में से आपने 2 माइनस करना है तो आपके पास 5 है 0101 पॉजिटिव नंबर है और आपके पास जो 2 होता है वो 10 के इक्विवेलेंट होता है. तो 10 आपने लिखा और आप इसके साथ साइन नेगेटिव है तो आपने बिट्स जो नंबर ऑफ बिट्स को मैच करने के लिए आपने जो उसकी साइन बिट है उसको आपने ऐड अप कर देना है तो विच इज माइनस. सो आप 1 से रिप्लेस कर देंगे 11. अब इन दोनों को आप ऐड कर दें तो जो आपके पास नंबर आएगा वो आपके पास क्या नंबर होगा, आपके पास प्लस 3 आ जाएगा 5 माइनस 2. सो अब आपके पास माइनस 2 माइनस 5 दो नंबर जो दोनों क्या है आपके पास दोनों नंबर जो है वो आपके पास आ जाते हैं नेगेटिव. सो आप देख सकते हैं कि उनके जो राइट लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है. सो इन दोनों को आपने सिंपली ऐड कर देना है तो ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा. सो जो आपकी राइट सिग्निफिकेंट सॉरी लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है. सो इट मीन्स यू हैव टू राइट माइनस विद द डेसिमल इक्विवेलेंट. सो फोर्थ केस में आपके पास माइनस 5 है तो आप देख लें 1 से रिप्लेस हो गया 0 जो था पिछले केस में आपने उसका जो माइनस 5 है आपने उसका क्या किया टूज कम्प्लीमेंट ले लिया. अब आपके पास प्लस 2 है और प्लस 2 आपके पास क्या आना चाहिए 0010. सो अब ये आपके पास आ गया और उसके बाद आप दोनों को सिंपली ऐड कर दें तो आपके पास माइनस 3 आ जाएगा. सो इस तरह से बेसिकली जो है ना कंप्यूटेशन होती है टूज कम्प्लीमेंट के. आपने सिर्फ साइंड और अनसाइंड बिट्स का ख्याल रखना है इस केस में. सो एडिशन अब साइंड और अनसाइंड का केस आ गया. अब टूज कम्प्लीमेंट से इस तरह से होती है और साइंड से इस तरह से होती है. टूज कम्प्लीमेंट में फर्स्ट केस तो सेम ही है और सेकेंड केस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. वो डिफरेंट इस वजह से है कि उसमें आपने जो आपने साइंड वाली आपने सॉरी जो आपकी टूज कम्प्लीमेंट वाली है उसमें आप देख सकते हैं कि जी जो दूसरा केस है सब्ट्रैक्शन का तो माइनस 5 आपके पास आ गया 1011 और माइनस 2 आ गया 1110. या आप किसी भी टेबल से इनका इक्विवेलेंट टूज कम्प्लीमेंट ले सकते हैं या आप खुद टेबल बना सकते हैं.
तो इन दोनों को आप जब ऐड अप करेंगे तो आपके पास -7 आंसर आएगा। अब देखेंगे कि बिट्स में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो वही फर्क है जो हमने पहली थर्ड या फोर्थ लेक्चर स्लाइड में हमने टूज कंप्लीमेंट निकाला उस नंबर का पहले, तो और उसके बाद फिर हमने उसको कन्वर्जन की। सो इसी तरह कन्वर्जन की टूज कंप्लीमेंट में, और फिर उसके बाद हमने उनको ऐड अप कर दिया। अब ये साइंड वाले में आपके पास सिंपल केस है, 101 आपके पास 5 का डेसिमल इक्विवेलेंट है और 1 जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 10 जो है वो -2 का इक्विवेलेंट है, और जो 1 है राइट सिग्निफिकेंट पे वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो पहला वाला केस है टूज कंप्लीमेंट वाला, वो आपने पहले उसका टूज कंप्लीमेंट लेना है और फिर उसको एड अप कर देना है। जो साइन वाला है वो सिंपल अर्थमेटिक होगी, जिस तरह से आप दो नंबर को ऐड करते हैं उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा वो करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने उसका इक्विवेलेंट लिखना है डेसिमल में साइंड वाले केस में, और उन दोनों को ऐड अप कर देना है। टूज कंप्लीमेंट में आपने टूज कंप्लीमेंट लेना है और फिर उसको सिंपल ऐड कर देना है। तो आपके पास ये दोनों तरीके से जो है वो नंबर आएंगे आपके पास। ये फर्दर एग्जाम्पल्स है, 5 आ गया आपके पास, -2 इन दोनों को ऐड किया आपने तो आपके पास +3 आ गया, और टूज कंप्लीमेंट एक साइड पे आपके पास टूज कंप्लीमेंट है और दूसरी साइड पे आपके पास साइंड है। सो टूज कंप्लीमेंट में आपने क्या किया कि 0101 ये सिंपल आपने, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव साइन है तो 0 आ गया। सो अब दूसरे केस में -2 का आपने क्या किया, टूज कंप्लीमेंट लिया और वो लिख दिया और दोनों को आपने ऐड कर दिया। इस केस में -5 का आपने टूज कंप्लीमेंट लिया और फिर +2 को उसमें ऐड कर दिया, तो आपके पास 1101 आ गया, विच इज इक्वलेंट टू -3 इन केस ऑफ टूज कंप्लीमेंट। इसी तरह आप साइन में आए तो साइन में सिंपल आपके पास जो भी नंबर आता है वो आपने सिंपल उसका डेसिमल का जो साइन नंबर है वो एंड पे लिख के उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। जिस तरह इस केस में देखें 5 का आपके पास +5 का क्या बनता है, 5 इज इक्वलेंट टू 101 एंड 0 रिप्रेजेंट द पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट साइड। -2 का आपके पास होता है 10 और माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 0 आपने ऐड किया ताकि नंबर ऑफ डिजिट्स डिजिट्स जो है वो सेम हो जाए, और उसके बाद आपने इन सबको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आपके पास आंसर है 1111। सो 1 1 इज इक्वल टू 3, और ये चीज़ आपके पास साइन नंबर में आ गई। सो अब दूसरा केस में आपके पास -5 है, तो 101 इज इक्वल टू 5 और 1 रिप्रेजेंट ऑन द लेफ्ट माइनस। इसी तरह 2 में 0010 और आपके पास जो है वो सिंपली 1111 आपके पास आंसर आ गया। अच्छा अब इनकी रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं कि रेंज ऑफ नंबर्स क्या है। अनसाइंड पॉजिटिव नंबर्स ओनली अनसाइंड में 0 to 7, और 3 बिट का नंबर होगा अनसाइंड के केस में। साइंड के केस में हमारे पास जो रेंज है वो बढ़ जाती है, क्योंकि माइनस नेगेटिव नंबर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो रेंज इज फ्रॉम -7 to 7, और जो आपके पास क्या कहते हैं जो साइज होता है बिट का वो 4 बिट का नंबर आ जाता है, जिस तरह आप पीछे एग्जांपल में देख चुके हैं। नेक्स्ट टूज कंप्लीमेंट में रेंज जो है एक नंबर से बढ़ जाती है, इसीलिए इसकी थोड़ी सी अफादियत है कि आपके पास नंबर ऑफ रेंज जो है नंबर्स की वो एक से बढ़ जाती है, और बहुत सी एप्लीकेशन में फिर आप इसको यूज़ करते हैं। सो -8 से लेके 7 तक इसकी रेंज है, और 4 बिट नंबर जो है ये होगा आपका। सो ये चीज़ें हम देखेंगे, 2+7 यूजिंग 3 बिट साइन अनसाइंड बाइनरी, 9 ओवरफ्लो, 2 -7 किस तरह से करेंगे, कैन नॉट रिप्रेजेंट -7 इन अनसाइंड बाइनरी। ठीक है, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। जो लास्ट ये है कि अब इसमें जो 4 डिजिट का वर्ड है वो तो आपका है, उसके बाद जो आपका ओवरफ्लो है वो आपको जो बिट है वो एंड वाली वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इसका ओवरफ्लो है। तो रेंज आपकी जो है वो -8 से लेके 7 तक ही होगी, और इसमें ये जो नीचे वाले दो केस है, पहले वाले केस में कोई ओवरफ्लो नहीं है, जो नीचे वाले दो केस हैं और वो विद इन रेंज है, और जो दूसरे दो केस हैं जिसमें -9 और +9 आ रहा है आपके पास टूज कंप्लीमेंट के फॉर्म में, ये बेसिकली इसका
ओवरफ्लो है कि अभी रेंज रेंज से बाहर चला गया। हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स विद इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट। अब दो अगर आपके पास डेसिमल में नंबर आ जाता है तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमारे पास है जी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड जो हमें ANSI और IEEE प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टैंडर्ड को बनाती हैं और उसकी बेस पे फिर सारे एप्लीकेशन बनाते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं जी 32-बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के। 32-बिट के अंदर आपने एक नंबर को रिलाई करवाना है तो उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड जो है IEEE और NC का 754 वो डिफाइन करता है कि जो आपके पास 32-बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसमें जो साइन बिट है जो नंबर का साइन रिप्रेजेंट करेगी आइदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो 1 बिट की होगी। एक्सपोनेंट बिट्स जो है वो आपकी 8 बिट की होंगी और मेंटिसा जो है वो 23 बिट का होगा। अच्छा इसी तरह इसी स्टैंडर्ड पे एक जो फर्दर इसकी एक्सटेंशन है वो 64-बिट डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। वो इसलिए एक्सटेंड किए गए क्योंकि आजकल आपके प्रोसेसर जो है वो 64-बिट को हैंडल करते हैं, इसलिए हम जो नोवा डेज यूज हो रहा है स्टैंडर्ड वो 64-बिट डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट है। अब जो ये जो बिट्स की बात हो रही है कि जी ये कितने बिट का हो गया, ये अब अगर आप इनको गिनेंगे तो 1 + 8 कितने हो गए, 9, 9 + 23 32। ये 32 बिट्स सारी जो है वो इस तरह से डिवाइड होंगी पूरे नंबर के ऊपर। आपके पास कोई नंबर है तो वो हम आगे एग्जांपल में देखते हैं। लेट्स से आपके पास 15-डिजिट डेसिमल नंबर फॉर्मेट है तो उसके अंदर क्या होगा कि एक बिट जो है वो होगी साइन बिट की, 2 बिट्स आपकी एक्सपोनेंट की होंगी और 12 बिट्स जो है वो डिजिटल सॉरी मेंटिसा डिजिट्स की होंगी। ये आपके पास भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 6918.3125। ठीक है जी, सबसे पहला काम हम इसको करेंगे मूव टुवर्ड्स डेसिमल को उधर लेके जाएंगे तो 1 2 3 तीन पॉइंट्स हमने मूव किए तो हम इसको लिख सकते हैं 6.918.3125 मल्टीप्लाई 10^3 जैसा नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है कि आप जो पॉइंट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं आप राउंड कर देते हैं। इस केस में आपने इनको राउंड नहीं करना, ठीक है जी राउंड नहीं करना। अब इसमें आप देखेंगे क्या, तो एक बिट तो साइन की होगी वो इस केस में क्या होगी इधर 0 या 1 और इस केस में है हमारे पास 0 क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। सो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, ये जो आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स एक्सपोनेंट के साथ वो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी या मेंटीसा भी हम इसको कह सकते हैं। तो 6918.3125 ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। सो और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 3, ठीक है इस केस के नॉर्मलाइज्ड फॉर्म 0 वही जो पीछे वाली। अब नॉर्मलाइज करने के लिए आपने क्या कर दिया, सिंपल आपने वो जो पॉइंट था ना उसको एक पॉइंट शिफ्ट और कर दिया तो आपका ये जो नंबर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहेंगे नॉर्मलाइज फॉर्म। सो इस केस में आपके पास अब जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर 4 हो जाएगी क्योंकि आपने एक डिजिट लेफ्ट और मूव किया है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा और एक्सपोनेंट आपका 4 हो जाएगा। सो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, पहली बिट देखें कितने की है, ये 15 बिट का नंबर था ये आपने जहन में रखना है। पहली बिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी साइन को, वो आइदर प्लस है या माइनस है तो 1 बिट हमने वो प्लस को दे दी। अब अगली जो एक्सपोनेंट की बिट्स हैं वो 2 बिट की हैं तो इस केस में हमने क्या किया कि एक तो 4 लिख दिया और दूसरी हमने 0 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमारे पास पावर बढ़ भी सकती है तो वो 2 बिट्स में आपने 0 4 लिख दिया और बाकी जितनी बिट्स हैं वो आपके पास है मेंटिसा की। सो आपने मैग्नीट्यूड को लिखा और जो बाकी बिट्स बचती हैं ऑन द राइट साइड वो उनको आपने 0 से रिप्लेस कर दिया तो ये आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट का। सो मैक्सिमम नंबर जो है वो 0.999999999×10^99। सो नो नेगेटिव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होगा, नंबर नेगेटिव हो सकता है। सो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट ऑप्शन 1 इंक्रीज एक्सपोनेंट टू 3 डिजिट्स
जिसमें आपके पास जो रेंज बन जाएगी वो 10^99 से लेके 10^-99 तक है। ऑप्शन टू 22 एक्सपोनेंट 50 एक्सपोनेंट, सो ऐड 50, 50 करते जाएं ऐड नंबर में, और जो रेंज बनेगी वो पहले तो 10^49 से 99 तक जाएगी और 10^-50 टेंस टू ज़ीरो। ये दो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, जब हम आगे यूज़ करेंगे तो आपको। अगर आपके पास जीरो नंबर है तो उसको तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर इन्फिनिटी तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में आ जाए, दो तरीके हो सकते हैं कि आप अलाउ करते हैं और या 22 को डिक्रीज करते हैं। इस केस में अगर आप अलाउ करते हैं 10^48 10^98, मतलब ये रेंज आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो लिखी हुई है ना ये रेंज है, और 10^ -49 से लेके 1 तक, ठीक है, ये रेंज है। इसमें एक्सपोनेंट अगर 19 है तो वो टेंस करेगा किसको, इन्फिनिटी को, अगर एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो टेंस करेगा 0 को, सिंपल एज दैट। अच्छा, डिक्रीज 22 केस में अगर 10^ जो 49 है वो टेंस करेगा वो उससे लेके 98 तक, और 10^ -48 से लेके 1 तक, अब एक नंबर की रेंज कम होगी इसमें, तो उस केस में जो 99 नंबर है वो एक्सपोनेंट आपका आ जाता है, वो टेंस करेगा इन्फिनिटी को, और जो 0 है वो तो है ही 0 है। सो सिंगल बिट या सिंगल पोजीशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट रिप्रेजेंटिंग, अब ये नंबर है आपके पास, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। सो 6918.3125 ये नंबर है, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है सिंगल पोजीशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में। इस केस में अब आपके पास क्या होगा, 32 बिट का नंबर होगा। आपने सबसे पहले क्या किया कि अब ये बाइनरी में, वो ये डिफरेंट केस होगा क्योंकि अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में जो नंबर्स हैं वो 10 से ही रिकग्नाइज होते हैं। सो 6918 का डेसिमल आपने ले लिया, जो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं किस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, वो आपने ले लिया, और दूसरी टर्म का भी आपने ले लिया, ठीक है जी। अब इसकी ये आपके पास आ गया इस डेसिमल पॉइंट का, वो उससे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पीछे जहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल टू बाइनरी। अब ये हमारे पास नंबर आ गया बाइनरी में, इसकी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या होगी, 1.1011000011001 into 10^12। तो साइन बिट इस केस में हमारे पास क्या होगी, 0, क्योंकि नंबर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 10001011, ये पूरे नंबर का आ गया। हमने सिंपली क्या करना है कि 127, क्योंकि 127 में 12 ऐड कर देना है, या ये जो आपके पास एक्सपोनेंट आ रहा है तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। लेट्स से कि ये हमारे पास 12 की जगह 16 होता, तो हम क्या करते, 127 में 16 ऐड करते तो हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाता डेसिमल में, ठीक है। और बाइनरी में आपने किस तरह से कंप्यूट करना है, बाइनरी में आपने सिंपल ये जो 2^12 है, इसको इसका जो भी आंसर आता है उस डेसिमल में, उसको आपने कन्वर्ट कर देना है किस में, बाइनरी में, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, तो आपके पास एक्सपोनेंट आ जाएगा। मेंटिसा आपके पास क्या है, 10110000011001, और उसके बाद जितनी बाकी बिट्स बचती हैं वो आपने 0 से रिप्लेस कर दी, हिडन जो है वो आपके पास 1 है। अब ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं, वो आप देखेंगे। इस केस में हमारे पास एक नंबर है वो +1.0101 into 10^2^5, तो साइन बिट इसमें क्या होगी, पॉजिटिव है तो 0 होगी। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होगा, 1000 और 100, ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया। और मेंटिसा हमारे पास आएगा 101, और बाकी सारी बिट्स हमारे पास जो है वो 0 होंगी। दूसरे केस में देखें, -1.01011,
इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 126। ठीक है, सो साइन बिट 1 होगी क्योंकि नंबर नेगेटिव है, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होगा, 0000001। ये हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा क्यों, क्योंकि नंबर हमारे पास जो है वो नेगेटिव है और इसका नंबर जो है वो हमारे पास सिर्फ आखिरी बिट उसकी 1 होगी। सो मेंटिसा हमारे पास क्या आ जाएगा, 01011 और फिर बाकी जितनी बिट्स हैं वो 0। तो 0 के केस में हमारे पास क्या होगा, अगर लेट से नंबर 0 है तो साइन बिट 0, एक्सपोनेंट सारे 0, मेंटिसा सारी बिट्स 0। इन्फिनिटी के केस में हमारे पास साइन बिट 0, मेंटिसा की बिट्स सारी 0, सिर्फ एक्सपोनेंट की बिट्स जो हैं वो एक्सट्रीम पे होंगी, मतलब मीन्स कि वो अपनी फुल वैल्यू पे होंगी, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि 99 वैल्यू होगी, 99 मीन्स के सारी बिट्स 1। ठीक है, सो इस तरह से हम, ये हमारे पास कुछ चंद एक एग्जाम्पल हैं जो आप खुद कंप्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर पे। हेक्साडेसिमल नंबर जो है ना वो बेसिकल मेमोरी ऑपरेशन में हम इनको यूज़ करते हैं ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जब रैम आपस में है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर पार्ट ज़्यादा यूज़ करता है, हार्डवेयर पार्ट ज़्यादातर बाइनरी पे ही काम करता है। सॉफ्टवेयर पार्ट जो है वो मेमोरी ऑपरेशंस को देखने के लिए, ज़्यादातर एड्रेसेस को देखने के लिए वो हेक्सा नंबर को यूज़ करता है। तो बेस आपके पास 16 होती है इसकी, और नंबर जो है वो 0 से 9 तक, और जो आपके पास बाकी नंबर है ए बी सी डी ई एफ, ये बेसिकली 10, 11, 12, 13, 14, 15 के इक्विवेलेंट है। सो ये आपके पास नंबर है कोई भी इन कम्पैक्ट फॉर्म, सो इसको आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि चार चार के जो आपने पेयर बना लेने हेक्साडेसिमल के, इस डेसिमल के, और शुरू करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो 0110 एक पेयर बन गया, 0000 एक पेयर बन गया, 1101 एक पेयर बन गया, और 1 आपके पास अकेला बचा और बाकी आगे आप उसके 0 लगा दें इन केस ऑफ साइन नंबर्स। अगर तो 0 है तो फिर सारी, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो सारे 0 लगाएं, अगर वो नेगेटिव है तो फिर आपको 1s लगाने पड़ेंगे। सो चार चार के आपके पास पेयर बन गए। अब पेयर को सिंपली आप जो है ना वो रिप्लेस कर दें उसके हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट से। अब 0110 इज इक्विवेलेंट टू 6, तो आपने 6 लिख दिया, 0000 इज इक्विवेलेंट टू 0, तो आपने 0 लिख दिया, 1011 इज इक्विवेलेंट टू 11, सो आपने उसको उसके इक्विवेलेंट बी है हेक्सा में, तो वो आपने बी से रिप्लेस कर दिया, और देन आपके पास आ जाता है 1, सो 1 को आपने उसी तरह 1 से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आप कन्वर्जन करते हैं बाइनरी टू हेक्सा। तो ये उसके इक्विवेलेंट है, इस टेबल में सारे दिए हुए कि उसके इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है। 4 डिजिट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट से। सो ये आपके पास इक्विवेलेंट है, तो जब आप भी आप इसको यूज करें तो टेबल को यूज कर सकते हैं। ये फर्दर उसके इक्विवेलेंट्स दिए हुए डेसिमल और हेक्सा डेसिमल। सो बाइनरी से हेक्सा डेसिमल में कन्वर्जन, जिस तरह मैंने आपको अभी पीछे बताया कि आप चार चार के पेयर्स बनाए और उनके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें, इसी तरह आपके पास अगर टेबल में हेक्सा से आपने बाइनरी में जाना है तो उसी तरह से एफ को उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें, डी को उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें, 1 को उसके इक्विवेलेंट से, 3 को उसके इक्विवेलेंट से, उसके वही जो पीछे टेबल गिवन है उसके अंदर से आपने देख के इसको कन्वर्ट कर देना है। सो डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्जन के लिए मेथड्स हैं। एक तो आपके पास है जो इनडायरेक्ट मेथड है, वो आपने करना ये है कि डेसिमल को सिंपल आप बाइनरी में लेके जाएं और बाइनरी से हेक्सा में कर दें। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है। इस अगर ये आप और मेथड जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है उसमें थोड़ी गलती के चांस भी हैं, वो ये है कि आपके पास डेसिमल नंबर है उसको आप रिपीटेटिवली 16 से डिवाइड करते रहें और आपके पास एंड पे जो रिमाइंडर आता रहेगा उसको आपने ऐड अप कर देना। अब अगर आपने हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहले हम डेसिमल टू हेक्सा की बात करते हैं, आप हेक्सा टू डेसिमल, इनडायरेक्ट मेथड सेम है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो सेम नंबर होगा।
दूसरा ये है कि सम ऑफ वेट्स 16 रेज टू पावर से उसको 0 फ्रॉम 2 16 रेज टू पावर n तक आप उसको मल्टीप्लाई कर दें और उन सब के वेट्स को आप आपस में ऐड अप कर दें। हम देखते हैं आगे वो किस तरह से। सो एडिशन में कैरी जनरेटेड होगा और कैरी आप क्या करेंगे, 16 जो आएगा तो वो 1 ऐड नहीं होगा, वो बेसिकली 10 नहीं बनेगा, वो 16 ऐड होगा उस नंबर के अंदर। और जब हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन होगी तो आप 16 बारो करेंगे उधर से, क्योंकि इस नंबर की बेस जो है वो 16 है। जी हाँ, हेक्सा के। अच्छा, ये हमारे पास नंबर है हेक्साडेसिमल CA06। अब सम ऑफ वेट वाला मेथड क्या है, 16 से मल्टीप्लाई करें और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पावर दे दें सिस्टम को 0, 1, 2, 3, और फिर इनको कैलकुलेट करके इनको आपस में ऐड अप कर दें, जो एंड रिजल्ट आपके आएगा वो आपके पास डेसिमल नंबर होगा। इसको आप देख लें। एडिशन में आप देख लें, साथ में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि 2AC6 एक नंबर है और 9 2B5 है। सो 6 + 5 के आपके पास आ गया 11 डेसिमल में। अब दोनों 11 डेसिमल में आ गया तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, 11 किसके इक्विवेलेंट है, बी हेक्सा में। सो आपने बी लिख दिया। सी एंड सी प्लस बी आपके पास क्या है, सी आपके पास है 12 और बी आपके पास है 11, तो 12 + 11 इज इक्वल टू 23 डेसिमल में। अब इस 23 डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 17। सो 7 आया और 1 ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। अब ए आपके पास 10 है, 10 + 1 + 2 13 बन गया और 13 इज इक्वल टू डी, 9 + 2 11 विच इज इक्वल टू बी। सो आपके पास एंड रिजल्ट दोनों के एडिशन क्या आ गया, BD7B। अब आते हैं बारो में। अब बेसिकली हम बारो करेंगे, 5 में से 6 हम नहीं निकाल सकते, ऊपर वाली टर्म जो है वो बड़ी छोटी है। सो 5 एक बारो किया हमने बी से, सो बारो तो हमने एक किया लेकिन हम बेसिकली 16 बारो कर रहे हैं, तो 16 + 5 क्या आ जाएगा, 21। 21 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास 15 बचेगा विच इज इक्विवेलेंट टू एफ। अब ये हमारे पास बी जो था वो 10 था, सॉरी 11 था, ये बन गया 10। अब हमने यहाँ भी बारो करना है 16, तो ये बन जाएगा 26। 26 में से आपने C निकालना है, C इज इक्वलेंट टू क्या, 12। सो हमारे पास बन जाएगा 14 और 14 इज इक्वलेंट टू E। सो E से हम रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास 2 है इधर, तो ये बन जाएगा 1 और वहाँ से आएगा 16, तो ये बन जाएगा 17। 17 में से A निकालेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा, सो 7 से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। 17 - 10 इज इक्वल टू 7। सो अब हमारे पास इधर लास्ट में 8 बचता है और 8 में से 2 निकालेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे। बेस 8 होती है इसकी और नंबर की जो रेंज है वो 0 से 7 तक हम इसमें डील कर सकते हैं। सो नंबर को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, इसमें सिंपल वही तरीका करना है इसमें, लेकिन आपने जो पेयर बनाने वो 3-3 बिट्स के बनाने और उसका इक्विवेलेंट दिया हुआ है। सो ये डेसिमल है, ये बन रही है और ऑक्टल तीन की जो है ना आपस में जो आप देख सकते हैं कि वो इक्विवेलेंसी है, इसको आप इस तरह से रिप्लेस कर फर्दर, ये आपके पास डेसिमल ऑक्टल की जो है वो। सो लेट्स से कि हमारे पास ये नंबर है कोई भी बाइनरी से, ऑक्टल में कन्वर्जन किस तरह से होगी कि आपने 3-3 के पेयर बना दिए और उस टेबल में से देख के आपने उसको रिप्लेस कर दिया तो आपके पास ऑक्टल नंबर आ गया। वापस किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसी टेबल में से देख के उसके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरे मेथड इसके क्या है कन्वर्जन के, अगर आपके पास डेसिमल है, डेसिमल से अगर आपने ऑक्टल में जाना है तो पहले बाइनरी में जाएं और फिर उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दें। ये आपके पास लिए सिंपल है क्योंकि टेबल से देख के फिर आपको इस आप इसको इजीली कर सकते हैं अगर आप डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो। या आप दूसरा मेथड क्या है, रिपीटेटिव डिवीजन बाय 8। अब देखें बेस इसकी 8 है इसलिए हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, एग्जाम में 16 थी तो हम 16 से डिवाइड कर रहे थे।
एडिशन में कैरी जनरेटेड, अब हम कैरी जो लेंगे ना वो क्या लेंगे, 8 लेंगे, वहां से जो कैरी आएगा वो 8 आएगा, 8 ऐड होगा उस नंबर के साथ, ठीक है जी। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन में आप जब करेंगे तो बोरो जो करेंगे वो जो होगा वो बोरो 8 होगा, ठीक है। 4033 नंबर आया था हमारे पास फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, सॉरी पीछे मैंने गलत बोल दिया, 4033 हमारे पास नंबर आया था और वापस कन्वर्ट किया, तो 4033 को वापस कन्वर्ट किया तो ऐड अप करने से हमारे पास आंसर आया 2075। अब इसमें देख लें कि हमारे पास 2+1 है तो वो उसी तरह से 3 आ गया, 0+7 7 आ गया, 6+7 क्या हमारे पास हो गया, 6+7 हमारे पास हो गया जी 13 डेसिमल में, और ऑक्टल में क्या होगा 15, तो 5 लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी चला गया, सो 7+5+1 ठीक है जी, ये 13 आ गया विच इज इक्वल टू 15, सो हमारे पास ये आ गया, कैरी बन ही जाएगा। और पीछे कौन मेरे से गलती हुई है कि मैंने कह दिया कि कैरी हम 8 लेंगे, कैरी हम 1 नहीं लेंगे आएगा हमारे पास, बारो हम 8 करेंगे। इस केस में हम देखते हैं अभी 2-1 हमारे पास 1 आ गया, अब 0 में से 7 हम नहीं निकाल सकते तो हम क्या करेंगे, बारो करेंगे नस, ठीक है, साथ वाले नंबर से, तो वो हमने जब बारो किया है तो वो हमारे पास 8 बारो करेंगे तो 8-7 हमारे पास 1 आ जाता है, फिर नेक्स्ट में हमारे पास 5 आ जाता है, तो 5 में से जब हम 8 बारो करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13-7 6, और फिर ये हमारे पास 6 बच जाता है और 6-5 हमारे पास 1 आता है, तो 1611 हमारे पास ऑक्टल की सबट्रैक्शन से होगी। अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है बीसीडी कोड, ये बेसिकली कोड होता है और ये ज़्यादातर एलसीडीज में यूज़ होता है, जो एलसीडीज में आप देखते हैं ना कि नंबर्स आ रहे हैं, तो वो डिजिटल जो छोटी एप्लीकेशंस है उनमें, और दूसरी हमारे पास है जो ग्रे कोड से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको गिवन होते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, ये डेसिमल नंबर ये है अगर, तो बीसीडी में उसका इक्विवेलेंट ये होगा, डेसिमल 0 से लेकर 9 तक जो है वो सारे इक्विवेलेंट इसमें दिए हुए हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हम यूज कर सकते हैं जब हमें कहा जाए कि हम बीसीडी से कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ये नंबर आ जाता है 1011 आप देख सकते हैं एंड में, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो सिंपली नंबर 6 का डिजिटल सॉरी बाइनरी इक्विवेलेंट उसमें ऐड कर देना, तो वो नंबर जो है आपका वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लीकेशन में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एप्लीकेशन ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि रोबोटिक्स में यूज़ होते हैं, या इस तरह की बहुत सी और भी एप्लीकेशन जो डिजिटल इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, तो ये बेसिकली जो बेस करेगी वो एप्लीकेशन जो काम कर रहे हैं वो इस कोडिंग पे रिप्रेजेंट बेस करेगी। तो डेसिमल आपके पास 0 से 7 तक है, ग्रे कोड आपके पास उसका इक्विवेलेंट और बाइनरी इक्विवेलेंट वो इस दोनों टेबल में दिए हुए, तो जो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आप उस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ग्रे कोड एप्लीकेशन का एरिया है, ये एक साइड पे आपके पास बाइनरी का दिया हुआ है और दूसरी साइड पे आपके पास ग्रे कोड का दिया हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं अब आते हैं नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो किस तरह से होती है, तो हमारे पास जो नंबर है वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड। सो अल्फा न्यूमेरिक कोड में हमारे पास हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स। सो ASCII जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो हमें 7-bit कोड देती है इन हर बिट के लिए, तो जिसमें 10 नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, 26 अपर लेटर करेक्टर्स हैं, अपर केस करेक्टर्स हैं, या अपर और उसके बाद 26 अपर लोअर केस हैं, और पंक्चुएशंस हैं और सैम्पल्स हैं, 32 बिट 32 कंट्रोल करेक्टर्स हैं, ये सारे जो है ना वो कोड डिफाइन करता है, ये बेस कोड है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसमें अब जो है वो कोड चेंज हो गए क्योंकि नए करेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उसके लिए न्यू कोड्स भी आ चुके हैं।
ये स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, और ये उसकी रेंज थी भी ASCII कोड्स की। ASCII 0 से 9 तक जो नंबर्स हैं उनके उनकी रेंज है, ए टू लोअर केस के लिए ए टू जी उसकी रेंज है, ठीक है जी। ये बाइनरी में भी ये दी हुई है, और साथ ब्रैकेट्स में जो है वो हेक्सा में लिखी हुई है रेंज। सो ए टू जी कैपिटल के लिए और कंट्रोल करेक्टर्स के लिए रेंज गिव। सो जो मैं बात पहले कर रहा था कि जी नए करेक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, तो फिर एक्सटेंडेड ASCII 8 बिट कोड आया। अब 8 बिट करने से उस नंबर की रेंज बढ़ गई, सो एडिशनल 128 ग्राफिक करेक्टर्स ऐड किए गए, और यूनिकोड 16 बिट का कोड भी बना लिया गया। सो एरर डिटेक्शन क्या चीज़ है जी? एरर डिटेक्शन बेसिकली जो आपके डिजिटल सिस्टम हैं, जो इंडस्ट्री में बहुत सी आपकी एप्लीकेशन हैं, लेट से जो ऑटोमेशन पे काम करती हैं, जैसा कि आपने गाड़ियों की एक असम्बली में देख सकते हैं कि जी सप्लाई लाइन पे गाड़ी आ रही होती है और रोबोट जो है वो या तो कोई भी उस पे काम कर रहे होते हैं, और वो पहले एक गाड़ी पे करते हैं, फिर जब वो आगे जाती है नई आती है तो नई गाड़ी आती है फिर उस पे काम करते हैं, इसी तरह वो चेन चलती रहती है। लेट से कि उस रोबोट के अंदर कोई एरर आ गया, ठीक है, जब एरर आएगा तो उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? उस पे का इफेक्ट जाएगा उस गाड़ी पे, उस गाड़ी पे वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। हो सकता है वो उस पे वो काम करे ही ना और वो आगे चली जाए और फिर नेक्स्ट गाड़ी आ जाए, तो वो उस एरर की वजह से सारी उनकी सप्लाई जो लाइन होती है वो ख़राब हो सकती है डिजिटल सिस्टम के अंदर। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए एरर डिटेक्शन इनमें इन्वॉल्व की जाती है। सो डिजिटल सिस्टम आर वेरी रिलायबल ड्यू टू एरर डिटेक्शन, एरर ड्यूरिंग स्टोरेज आर ट्रांसमिशन। जब कोई भी काम कर रहा हो या कोई स्टोर हो रहा हो डाटा या कोई ट्रांसमिट हो रहा हो सिस्टम के अंदर हार्डवेयर के ऊपर, तो उसके दौरान जो है वो एरर को कंट्रोल करना। सो उसके लिए दो मेथड हैं, पैरिटी बिट हम इन्वॉल्व करते हैं, एक बिट हम इन्वॉल्व करते हैं, और उस एक बिट का काम सिर्फ होता है कि एरर को डिटेक्ट करना। तो दो तरह के उसकी वैल्यूज हो सकते हैं, इवन पैरिटी हो सकती है या ऑड पैरिटी हो सकती है। सो ये आपके पास लेट से ओरिजिनल डाटा है, तो विद ऑड पैरिटी जो वन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कह रहा है कि ये जी ऑड पैरिटी है। सो एक बिट का एरर आ गया हमारे पास, अब एक 8 बिट का एरर आ गया, और अब ये जो नंबर ऑफ वंस है वो इंडिकेट्स करेंगे वन बिट एरर। टू बिट एरर क्या है जी? दो बिट्स आपके पास चेंज होगी, ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो इस तरह से पता चल सकता है। और फिर आपके पास ये है कि थ्री बिट एरर के तीन बिट्स चेंज होगी, ठीक है जी। तो अभी ये जो तीन बिट्स हैं वो बता रही हैं थ्री बिट एरर में कि जी आपकी तीन बिट्स चेंज होगी। अब देखेंगे वन बिट एरर में नंबर ऑफ वंस इवन इंडिकेट्स वन बिट एरर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इवन। सो आपको बता रहे हैं कि जी नंबर ऑफ वंस इवन इंडिकेट्स वन बिट एरर। अब टू बिट एरर देखें, नंबर ऑफ वंस ऑड मींस नो एरर डिटेक्टेड, ठीक है, नंबर ऑफ वंस ऑड नो एरर डिटेक्टेड, 1 2 3 4 5, 5 में इसका मतलब है एरर डिटेक्ट नहीं हुआ। नीचे वाले में आ जाए 1 1 1 1, 4 नंबर ऑफ वंस कितने? 4 है, 4 इज इवन नंबर, सो दिस मींस देयर इज एन एरर, ठीक है, समझ आ गई कि जब आप उसमें से वंस को ऐड करें नंबर जो डिटेक्ट करने का तरीका क्या है, ये आप बेसिकली कोडिंग करेंगे सिस्टम के अंदर और सिस्टम डिटेक्ट करेगा। लेकिन आप किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपने उस नंबर में से देखने के लिए अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो इसका मतलब है नंबर में एरर आ गया, और अगर इवन नहीं है ऑड है तो इसका मतलब है एरर नहीं आया इस ओरिजिनल डाटा के बेस पे। सो इसमें हमने टूज कम्प्लीमेंट रेंज एंड नंबर फ्लो एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेशन को कवर किया है, और फिर हमने हेक्सा नंबर सिस्टम, बाइनरी हेक्सा कन्वर्जन किया, डेसिमल हेक्सा कन्वर्जन किया, और ऑक्टल नंबर सिस्टम
में हमने बाइनरी ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल ऑक्टल कन्वर्जन ये चीज़ें देखी। उसके बाद बीसीडी कोड क्या है, ग्रे कोड किस लिए यूज़ होता है, मतलब किस तरह की एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आस्किन में क्या चीज़ें आती हैं और एरर डिटेक्शन क्या है। सो पैरिटी बिट इन्वॉल्व की जाती है जो हमें चेक करके देती है कि जिस इस पूरे बिट में एवन एरर है या नहीं है, और वो किसके ऊपर बेस कर रही होती है, इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी। अगर नंबर ऑफ बिट्स जो है वो इवन है तो इसका मतलब एरर है, और नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ऑड है तो इसका मतलब है एरर नहीं है। तो ये एक बिट जो है वो काउंट करती है और उसकी बेस पे वो पैरिटी बिट बताती है कि इस डाटा के अंदर ट्रांसमिशन के दौरान एरर आया है या नहीं आया, पिछले डाटा को देख के उसकी बेस पे। थैंक्स।